पर अभी 8 months लेफ्ट है। अब अगर मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो मुझे फीस भी भरनी पड़ेगी, तो 8 months ना भरते हुए मैं 1 साल क्यों ड्रॉप ना ले लूँ। तो सर ने कहा कि देखो ऐसा है कि 8 months में क्या ना आप वो कर जाओ जो 1 साल में भी नहीं कर पा। तो सौरभ सर ने कहा था वो तो मेरे भी सर है, उनसे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, उनसे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बस उसके बाद जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ाने आए तो प्रोबेबिलिटी में आप सीधे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाओगे, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताओगे, उनसे बहुत हेल्प मिली। बात रही या बुरी बात रही जैसी भी रही, पर मेरे को कभी याद नहीं हुए तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि चीजें याद नहीं होना मतलब मेरे को कंसेप्चुअली आ रही है। तो कंसेप्ट के दौरान बहुत सारी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे मैंने आपसे पढ़ने के दौरान। और आप क्या पढ़ा रहे हो ये देखे ना देखे, पर आप जो चीजें समझाने के लिए डायलॉग दे रहे हो वो तो पूरी फैमिली देखती है पक्का। तो जब तक आप पढ़ा रहे हो जब तक फ्री है, जैसे आपने कोई डायलॉग मारा सब इकट्ठे हो जाते हैं कुछ। अभी से निमसेट ओरिएंटेड हो जाओगे तो मैथ सीख ही नहीं पाओगे। चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, नाम है दीपांशु जैन, जिनके ऑल इंडिया 267 रैंक है, जो मंदसौर एमपी से हैं। और दीपांशु ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ। तो दीपांशु सबसे पहले ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये शुभकामनाएं मैं आपको भी देना चाहूंगा, क्योंकि असलियत में तो सक्सेस आपकी भी है ये। मैंने फाइनल ईयर के साथ ही किया था, मैंने नहीं सोचा था इतनी अच्छी रैंक आएगी। सौरभ सर के द्वारा आपसे मिला था मैं, फिर मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, 8 months लेफ्ट है सर मुझे करनी चाहिए या नहीं, मुझसे होगा या नहीं होगा, एक ही माइंड में था कि कहीं ड्रॉप ना लेना पड़े, पर आपकी वजह से एनआईटी भी मिला और अच्छा एनआईटी मिला। तो दीपांशु जैसे अभी आपने थोड़ा सा बताया, मैं चाहूंगा आप अपनी सारी चीजें जैसे आपने बोला, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे आप 22 के लिए टाइम कम बचाए तो हर बच्चे का पहला क्वेश्चन होता है कि इतने कम टाइम में होगा कि नहीं। मैं बोलता हूँ इतने कम टाइम में होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, पर अगर आप 1 महीने बाद पूछोगे तो 1 महीना जरूर कम कर लोगे, 2 महीने बाद पूछोगे तो 2 महीने कम कर लोगे। मान लो ड्रॉप का मन है तो भी इस साल की प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो टाइम कभी भी कम नहीं होता, जो बचा हुआ टाइम है हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके आप एक अच्छे एग्जांपल हो दीपांशु, क्योंकि मुझे याद है कम समय में आपने ये अपनी रैंक अचीव की 267 रैंक, एक बहुत अच्छी रैंक होती, वो भी जब जब 7-8 महीने का समय बचाओ, फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले हो, वो प्रेशर भी साथ में ये भी। तो दीपांशु मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो आप डिटेल में बताएं कि आपने पहले तो निमसेट के लिए सोचा कब, और जब आपने माइंड बनाया तो फाइनल ईयर में थे कई सारे मन में कंफ्यूजन थे, फिर जब आपने एक बार ज्वाइन कर लिया एमपीटस को तो उसके बाद आपने किस ढंग से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा और दोनों में आपने अच्छी सफलता ली। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस जर्नी में मेरा सहयोग किया। सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे दोनों बहनें, जिन्होंने एक वो कहते हैं ना ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ना डिफिकल्ट तब बन जाता है जब घर पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, पर मुझे ऐसा मिला कि सबने जैसे मेरी क्लासेस होती थी तो मेरे से ज्यादा मेरी सिस्टर्स को याद रहता था, मैं भूल जाता तो वो मेरे को बताती थी, तो वो सब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। आपको धन्यवाद क्योंकि आपकी वजह से आपने इतना अच्छा कंसेप्चुअली पढ़ाया। प्रतीक सर को धन्यवाद और पूरी इम्पीटस फैमिली को धन्यवाद। मैं इम्पीटस को विजिट नहीं किया था पहले कभी भी एग्जाम के पहले, पर फिर भी ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ सर से मेरा कनेक्शन हो गया था, जैसे धर्मराज सर, उनसे इतना पढ़ाई रिलेटेड काम नहीं पड़ता था, पर फिर भी जो क्वेरीज आती थी आपसे बात करते वक्त, मैं उनसे 2-3 बार बात किया, मतलब वो केवल मेरी आवाज से मेरे को पहचानने लगे थे, उस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अगर इंटरेक्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं सौरभ सर का ऑब्वियसली बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं बीसीए करके जॉब करूंगा, मैंने 3rd ईयर तक यही सोचा था, मैंने कहा अपन बीसीए करेंगे उसमें नॉलेज एक्वायर करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखेंगे, देन फिर जॉब करेंगे, और अगर फिर जरूरत पड़ती है तो एमसीए करेंगे जैसे बहुत सारी कंपनीज करवाती है। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं घर आ गया, फिर कोचिंग करना थी तो मैं सौरभ सर से कोचिंग ली, सौरभ सर से एक दिन कोचिंग ली, तो उस समय उनके चैनल से मैं लगातार अपडेटेड रहा था। उस समय आपकी एक वेबकास्ट डली थी, वो वेबकास्ट मैंने देखी, और उस दिन वो वेबकास्ट देखने वाला केवल मैं नहीं था, मेरे साथ मेरे पापा भी देख रहे थे, तो वो काम बहुत स्पीड में हुआ। फिर वो वेबकास्ट मैंने देखी, फिर मैंने सर से बात की, सौरभ सर से अगले दिन मैंने कहा सर करना तो है मुझे, पर अभी 8 months लेफ्ट है, जैसा आपने बताया कि ये होता है एनआईटी के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, या एनआईटी अच्छे कॉलेजेस है, आपको बहुत अच्छा सिनारियो मिलेगा, अच्छा लोग मिलेंगे, तो करना तो है, अब आपकी इन बातों से अच्छा लगा तो करना तो है, पर अभी 8 months लेफ्ट है। अब अगर मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो मुझे फीस भी भरनी पड़ेगी, तो 8 months ना भरते हुए मैं 1 साल क्यों ड्रॉप ना ले लूँ।
तो सर ने कहा कि देखो ऐसा है कि 8 मंथ में क्या ना आप वो कर जाओ जो 1 साल में भी नहीं कर पाओ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। फिर मैंने भी आपसे बात की, फिर उन्होंने आपका नंबर दिया, फिर आपसे बात हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने केवल सौरभ सर से पूछा था कि जैसा मेरे को वहां सौरभ सर का पढ़ के अच्छा लगा वैसा ही आपका लगेगा। तो सौरभ सर ने कहा था वो तो मेरे भी सर है, उनसे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, उनसे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बस उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, यूं भी नहीं कि कितनी फीस है, क्या डिस्काउंट है, ऐसा कुछ नहीं, बस कोर्स लेना है अब अपने को। फिर मैंने कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोर्स के दौरान आपसे बहुत हर क्लासेस में मिलने का एक इंतजार रहता था, क्योंकि क्लासेस 4:30 से रहती थी पर एक्चुअल 4:45 से स्टार्ट होती थी। वो 15 मिनट का जो अच्छा सिनारियो आप बनाते थे, मोटिवेशन लाइंस या अपन बोल सकते हैं मैथ्स, जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ाने आए तो प्रोबेबिलिटी में आप सीधे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाओगे, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताओगे, उनसे बहुत हेल्प मिली। और एक्चुअली उसकी वजह से ये रैंक आ पाई है, क्योंकि एक मैथ्स कंसेप्चुअली सुनना या सीखना वो बहुत जरूरी है। जैसे कई सारे मेरे साथ वाले भी थे जिनको क्वेश्चन कर करके याद हो जाते थे, पर एक ये मैं कहूँ कि ये मेरी अच्छी बात रही या बुरी बात रही, जैसी भी रही, पर मेरे को कभी याद नहीं हुए, तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि चीजें याद नहीं होना मतलब मेरे को कंसेप्चुअली आ रही है, जब भी मैं उसको दोबारा कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे याद नहीं और मैं दोबारा कर पा रहा हूँ मतलब मैं उसका कंसेप्ट सीख गया हूँ। तो वह कंसेप्ट के दौरान बहुत सारी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे मैंने आपसे पढ़ने के दौरान। हर जो 11th 12th में हर टॉपिक जो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था उन सबको मैंने रिकॉल कर लिया, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो बेटा आपने बिल्कुल दीपांशु काफी सारी अच्छी बातें बोली। नंबर वन कि आपने ये बोला आपको याद नहीं होते, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि याद कर लेते हैं और उससे रैंक लाते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है कि आपने कंसेप्ट बना लिए, आपको याद नहीं पर आप दोबारा सॉल्व कर पा रहे हो, और कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन को दोबारा जब ही कर सकता है जब उसके पास कंसेप्ट हो, और कंसेप्ट हो तो दोबारा भी कर सकता है, 10 बार भी कर सकता है, 10 महीने बाद भी। पर याद की हुई चीज कई बार भूल सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। एक चीज बहुत अच्छी आपने लर्निंग करी कम समय में रहते हुए, ये अच्छी बात है। पहले जो मन में था कि बीसीए के बाद जॉब करेंगे वो तो खैर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा आपका लाइफ का, क्योंकि उससे आगे जाके ग्रोथ नहीं मिलती। तो आपने है ना एक क्लियरिटी जिसे बोलते हैं, मतलब जैसे मुझे आपसे बात करके बिल्कुल क्लियर है कि आपके आपने जब जो सोचा उस पर एक्शन भी लिया और काम भी किया। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट देखा और इमीडिएटली उस पर, उसके बाद अच्छी बात थी पापा ने देखा, एक्शन लिया। कम टाइम था, कम टाइम में भी बिना देर करे हुए आपने एक्शन लिया, और यही वजह है कि रिजल्ट आ गया। नहीं तो कई लोग क्या होता है सोचते हैं करेंगे करेंगे फाइनल के साथ करेंगे, और ऐसे टाइम निकलता जाता है और जब तक समझ में आती है इतनी देर हो जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता। यस सर। और दूसरा आपने सभी को जो थैंक यू बोला ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी सक्सेस में केवल हम अकेले नहीं होते, हमारा तो होता ही है, पर हम कहीं ना कहीं बाकी सबके भी सपोर्ट होते हैं। जैसे आपके सिस्टर ने, आपके घर वालों ने, सबने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया घर में कि आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। दूसरा इम्पीटस की क्लासेस भी ऑनलाइन होती है, पर कहने को वो ऑनलाइन होती है पर एक्चुअल में फील वो क्लास वाला ही आता है बच्चों को। तो वो सब कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके वजह से हम एक अच्छी रैंक या अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। तो दीपांशु एक बात बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जैसे आपको भले लेट पता चला पर आपने एक राइट एक्शन लिया, तो आपका क्या मैसेज होगा? यस सर, जूनियर्स को मैसेज देने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा मैं। जैसे आपने आपने अभी अभी मेंशन किया कि केवल इम्पिटस की क्लासेस बोलने के लिए ऑनलाइन है, पर एक्चुअली में वो ऑनलाइन केवल बच्चा नहीं पूरी फैमिली देख रही होती है, और आप क्या पढ़ा रहे हो ये देखे ना देखे, पर आप जो चीजें समझाने के लिए डायलॉग दे रहे हो वो तो पूरी फैमिली देखती है पक्का क्योंकि एयरफोन लगा के तो कोई क्लासेस लेता नहीं इतनी देर की, ओपन मोड में ही लेते हैं, तो ओपन मोड में सब काम कर रहे होते हैं, तो जब तक आप पढ़ा रहे हो जब तक फ्री है, जैसे आपने कोई डायलॉग मारा सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा होता है मेरे पास, जब मैं ऑनलाइन में भी इस बार अवार्ड बच्चे आए थे तो उन्होंने कई पेरेंट्स से बताया कि सर हम पूरी पूरी क्लास देखते थे और काफी अच्छा है, मतलब जबकि वो क्लास मैथ्स की होती थी फिर भी वो उस क्लास को एंजॉय करते थे, ये काफी खुशी की बात है। यस सर, वो तो होता ही था, और एक्चुअली में उससे ऐसा लगता है कि अपन अकेले नहीं है। हाँ। जैसे मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑफलाइन में नहीं हूँ। एक चीज मेरे को सबसे ज्यादा मतलब एक इश्यू था, जैसे मुझे एक डर लग रहा था कि मेरे डाउट्स का क्या होगा, पर एक्चुअली में एक दो क्लासेस लेने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मेरे जितने भी डाउट्स होंगे ना वो वहाँ कोई ना कोई मेरा बैठा साथीदार पूछ ही लेगा, क्योंकि जो मेरे को डाउट्स होंगे, अच्छी बात यह है कि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है इम्पिटस में उसी को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से जो मेरे अंदर के जितने भी डाउट्स थे वो वहाँ के किसी किसी बच्चे के अंदर तो होते ही है, एक्चुअली में सब बच्चे एक ही है,
तो वो उनसे पूछा जाते हैं और एक्चुअली में मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब लगभग लगभग जो मेजर मेजर है जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही बात बोली दीपांशु, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, बच्चे जब तक कोर्स लेते नहीं है कि सर हमारे में बहुत सारे डाउट हैं, हम डाउट कैसे पूछेंगे, क्या होगा, मैं बोलता हूँ डाउट जब तक है जब तक ज्वाइन नहीं किया, जिस दिन ज्वाइन करोगे अपने आप ही डाउट खत्म हो जाएंगे। और ये जो बात है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हर बच्चे का डाउट एक जैसा होता है, जब ऑन ईयर क्लास वही हो रही जो बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे भी पता है, और मैं एक बात बिल्कुल बोल सकता हूँ, देखो 100% तो कभी किसी के डाउट खत्म नहीं होते, पर मैं इतना श्योर हूँ कि चाहे बच्चा क्लास में रहे चाहे ऑनलाइन, जो वो सोचता है उससे तो कई गुने उसके डाउट सॉल्व हो चुके होते हैं और उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, और इसीलिए वो कंफर्टेबल धीरे धीरे फील करता है, बस डाउट जब ही तक होता है जब तक कि ज्वाइन नहीं किया होता है। ये सर जब तक ही रहता है वो, हाँ। कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हाँ। फिर चीजें समझ में आने लग जाती है। बिल्कुल सही बात। और एक जूनियर्स को मैसेज में देना चाहूंगा, सबसे पहला मैसेज तो मैं देना चाहूंगा, स्टडी प्रिपरेशन के दौरान सबसे मेजर क्वेश्चंस या अपन ये बोल सके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सबके साथ रहती है वो ये एक रहती है कि मेरा होगा या नहीं होगा। अधिकतर बच्चे केवल यही सोचते रहते हैं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अभी से पूछना स्टार्ट कर देंगे सर NIT रायपुर के लिए कितना नंबर लाए, सर कौन कौन से क्वेश्चंस करें, सर रायपुर में जमशेदपुर के लिए क्या करें। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी उन सब चीजों के लिए मत सोचो, अभी एक्चुअल में तुमको NIMCET एग्जाम्स देना ही नहीं है, अभी तो केवल मैथ्स को अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ना है। जब एक महीना रिमेनिंग रह जाएगा तब अपन उस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे कि हमको किस हिसाब से करना है, अभी तो सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो, और एक्चुअल में वही सही तरीका है, क्योंकि अभी से NIMCET ओरिएंटेड हो जाओगे तो मैथ सीख ही नहीं पाओगे। एक और मैं मैसेज अपना देना चाहूंगा, जब NIMCET एग्जाम्स को 10 या 15 डेज रिमेनिंग थे तब आपने एक बात कही थी कि अब से जितने भी टेस्ट हो उन सब टेस्ट को एग्जाम की तरह दो, उन सब टेस्ट को ऐसा दो कि आप मेन एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको वैसे डील करो जैसे आप मेन एग्जाम में डील करने वाले हो, आधे हाफ एन आवर पहले बैठ जाओ और हो सके तो 45 मिनट्स अर्लियर बैठ जाओ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। एक्चुअली में मेरे को NIMCET एग्जाम देते वक्त ऐसा महसूस होने लग गया था कि मैंने दी तो BCA के साथ है, पर मेरे को ऐसा लगने लग गया था मैंने 11 ड्रॉप लेके दिए, क्योंकि जो 11 टेस्ट उस दौरान हुए थे उन सब टेस्ट को मैंने ऐसे ही दिया था। मान लो जैसे अगर टेस्ट को टेस्ट की तरह देते तो हमको ऐसा लगता है यार ये रॉन्ग क्वेश्चन है, शायद सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो गई होगी, इसका ये गलत आंसर ही लगा देते हैं, ऐसे करते करते एक दो क्वेश्चन हम कई बार करते हैं, पर अगर उसको एग्जाम्स के दौरान दोगे तो आप या तो उसको छोड़ोगे या नन ऑफ द वो तो नन ऑफ द वो लगाओगे। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने डेवलप करी, और एक्चुअल में मैं यही कहना चाहूंगा कि टेस्ट को एग्जाम की तरह देने लग जाओ, प्रिपरेशन और टेस्ट दोनों 50-50% का मार्जिन रखते हैं NIMCET में। अगर आपको आपने प्रिपरेशन अच्छी की है पर टेस्ट देना नहीं सीखे तो आपकी मेहनत बेकार है, बेकार नहीं बोल सकते, उतना इफेक्टिव नहीं लाएगी, और आपने केवल टेस्ट देना सीख लिया और प्रिपरेशन नहीं की तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए आप जितने भी टेस्ट दे रहे हो उसको टेस्ट में देते हुए एग्जाम की तरह दो, अगर आप उनको एग्जाम देने लग गए तो मेन एग्जाम में ये नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है हम टेस्ट बहुत सारे देते हैं, आज टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी अपनी आज ये अपनी और एक मान लो कॉन्स्टेंट भी कर लिया, फिर एग्जाम देते वक्त ये लगता है वो तो टेस्ट थे ये तो मेन एग्जाम है या वो थोड़ा ना करना जवाब किया था, तो एक्चुअली में यही भूल सुधारनी, वही करना है जो अभी तक करते आए हो। तो सारे टेस्ट को अगर एग्जाम की तरह दोगे कि नहीं ये मेन एग्जाम है यहाँ पर मेरे को वो डिसीजन लेना है जो मैं मेन एग्जाम में लेने वाला हूँ, तो मेन एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे क्या डिसीजन है, वो डिसीजन अपने आप आते रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली दीपांशु आपने, कई बच्चे ऐसी ही मिस्टेक करते हैं, हर चीज के अपने कॉम्बिनेशन होते हैं, आपने अपनी गलतियां एग्जाम के पहले सारी फाइनल एग्जाम जैसे मानते हुए की, इतने कम समय में जो आपकी लर्निंग है ना जो मुझे आपसे बात करके मिली मुझे समझ में आ गया, आपने एक तो इम्पिटस को अच्छे से फॉलो किया, दूसरा आपने अपने आप को मेंटली हर तरह से तैयार किया, और यही रीजन है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब यही मैं चाहूंगा आप आगे भी ऐसे ही बनाए रखो, और वो बच्चे जो मिसगाइड होते हैं जूनियर होते हैं उनके लिए आप बहुत बड़े मोटिवेटर का काम करने वाले हो, तो आप उस बात को ध्यान रखो, उनको गाइड भी करो, जो डीमोटिवेट हो रहा है उनको मोटिवेट करो। काफी अच्छे मैसेज दिए, मुझे पूरी उम्मीद है ये सेशन सुन के जिन बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन या डाउट होगा वो डेफिनेटली दूर हो जाएगा। यस सर, मैं भी हमेशा कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जितने जूनियर्स को गाइड करने का मौका मिले उनको गाइड करूंगा, और आपका आशीर्वाद भी रहे तो आगे भी ऐसी सफलता मिलती रहेगी। मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है, मैं कभी कोई आपको पता ही है इम्पिटस मतलब एक फैमिली है, ये ट्री है बढ़ता जाएगा, ये ऐसा है 10 साल बाद भी आप इम्पिटस के वैसे ही स्टूडेंट हो जैसे आज हो। यस सर, है ना। हाँ, इसलिए तो वो कहते हैं कि इम्पिटस फैमिली इज नॉट फॉर ओनली NIMCET एग्जाम, इज फॉर फैमिली।
यस इज फॉर फैमिली। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस फैमिली का हमेशा हिस्सा बना रहोगे, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।